हेलो मेरे शाइनिंग स्टार, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम क्या कराने जा रहे हैं, क्या कराने जा रहे हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक शब्द तरंग बाय ब्रेन रूट से कौन से अक्षरों के शब्द, चार अक्षर वाले शब्द। अभी हमने दो अक्षर के शब्द, तीन अक्षर के सीखे थे और आज हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, आज हम चार अक्षरों के शब्दों को लेकर पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। तो सबसे पहले किसका चित्र बना है, ये बना है एक विशाल वृक्ष का। और कौन सा वृक्ष है ये, ये है बरगद का वृक्ष, बरगद। तो बरगद कितने वर्णों से मिलकर बना है, कितने अक्षरों से, एक दो तीन चार, चार अक्षरों से। यानी कि आज हम चार अक्षरों के शब्दों को पढ़ेंगे, बरगद। अभी तो मैंने अलग अलग करके पढ़ा टुकड़े डाल के, और अगर हम इसको एक साथ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, बरगद बरगद बरगद, क्या बन जाएगा ये, बरगद। ऐसे ही किसका है, कौन सी सब्जी है, शलगम। और अगर हम इसको शलगम शलगम, अभी हमने इसको अलग अलग पढ़ा, लेकिन अगर इसको संयुक्त करके पढ़ेंगे, शलगम शलगम, कैसे पढ़ेंगे इसको, शलगम शलगम बरतन, क्या बन जाएगा, बरतन बर्तन। दमकल दमकल दमकल, तरकश तरकश, इसको एक साथ बोलेंगे, तरकश तरकश। शरबत, एक साथ बोलिए, शरबत शरबत शरबत। और अब हम पढ़ते हैं और बहुत सारे अक्षर, हलधर हलधर, बचपन बचपन, कसरत कसरत, नटखट नटखट, पचपन पचपन, अड़सठ अड़सठ, इकट्ठे बोलेंगे तो क्या बन जाएगा, अड़सठ। कटहल, अभी हम तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं कटहला, लेकिन हम इसको एक साथ बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, कटहला कटहल। अकबरा, एक साथ बोलिए, अकबरा अकबर। मरहमा मरहमा मरहम मरहम। तो हम किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों, किसका अभ्यास कर रहे हैं, हम कर रहे हैं चार अक्षरों से बने शब्दों का अभ्यास। जगमग जगमग, इकट्ठे बोलेंगे, जगमग जगमग। पनघट पनघट, एक साथ बोले, पनघट पनघट। दशरथ दशरथ, को एक साथ बोलिए, दशरथ। मखमल मखमल, थर्मस थर्मस। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने चार अक्षरों की प्रैक्टिस करी और अब हम इनको एक साथ बोलेंगे। सबसे पहले खटपट खटपट, पटपट पटपट, सरपट सरपट, नटखट नटखट, झटपट झटपट, पनघट पनघट। अनबन अनबन, उपवन उपवन, उबटन उबटन, पलटन पलटन, बचपन बचपन, पचपन पचपन। शबनम शबनम, शलजम शलजम, हरदम हरदम, हमदम हमदम, सरगम सरगम, मरहम मरहम। मखमल मखमल, दला दला, एक साथ बोलेंगे, दला दला दल दल, हला चला हलचल, अटकला अटकल, कला कला कलकल, और परवला
परवल, ऐसे ही आपको भी जोर जोर से पढ़ना है। और अब इनसे के वाक्य हैं, थारा मासा थर्मस भरा भर थर्मस भर, तारा काश तरकश रख, शारा बाता शरबत चख, सारा पाटा सरपट चल सरपट चल, कारा वाटा करवट बदला बदल करवट बदल, काटा हाला कटहल पकड़ा पकड़ कटहल पकड़, उबटा ना उबटन मल उबटन मल, माता लाबा मतलब समझा समझ मतलब समझ, सारा गामा सरगम चल सरगम चल, गाणा पाता गणपत उठ गणपत उठ, आड़ा साठा अड़सठ पढ़ अड़सठ पढ़, झाटा पाटा झटपट कर झटपट कर, सारा कासा सरकस चल सरकस चल, कासा राता कसरत कर कसरत कर, भागा वाता भगवत भज भगवत भज, माला माला मलमल पहाना पहन मलमल पहन, आमारा सा अमरस चक अमरस चक, थारा मासा थर्मस रख थर्मस रख, आचा का ना अचकन पहन आधा अचकन पहन, आधा रा का अदरक चक अदरक चक, ठाका ठाका ठक ठक कर ठक ठक कर, कामा रखा कमरख चाखा चक कमरख चक, पारा वाला परवल चक परवल चक, उपावाना उपवन चल उपवन चल। तो बच्चों अभी हमने दो शब्दों के मेल से बने वाक्यों को अभ्यास किया और अब हमारे पास आ रहे हैं तीन शब्दों के बने वाक्य। अकबर उठ अकबर अब उठ, उपवन तक चल, अब अचकन पहन, सज धज कर चल, अजगर मत पकड़, पढ़ कर मतलब समझ। और अब है चार शब्दों से बने वाक्य। बर्तन पनघट पर रख, दशरथ थर्मस उधर रख, अजगर पर रहम कर, सरपट बरगद पर चढ़, अकबर पचपन तक पढ़, दलदल पर झटपट चल। तो हमने क्या किया, पहले तीन शब्दों के मेल से बने वाक्यों का अभ्यास किया और उसके बाद हमने चार शब्दों के मेल से बने वाक्यों का अभ्यास किया। और इसी तरह आप भी बच्चों अभ्यास करेंगे अवश्य और जोर जोर से पढ़ेंगे, ठीक है। इससे आपकी जो बोलने की है वो और ज़्यादा स्पष्ट होगी, ठीक। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं पांच शब्दों के मेल से बनने वाक्यों का अभ्यास। शबनम बर्तन कसकर मत पकड़, मरहम मलकर अजगर मत पकड़, गणपत उठकर चल खटमल पकड़, नटखट बहन खत पढ़कर रख, कटहल रखकर टमटम पर चढ़, अकबर शरबत गरम मत कर, ठीक। और इसके बाद हम क्या करेंगे, चार शब्दों से बने वाक्यों को पढ़ेंगे और समझेंगे। शबनम झटपट उधर चल, टमटम पर चढ़कर उपवन चल, अहमद अब करवट मत बदल, झटपट उठकर खटमल पकड़, इकसठ तक सबक पढ़, अचकन पहन कर घर चल, झटपट टमटम पर चढ़, अमजद पनघट पर बर्तन रख, गणपत थर्मस कसकर पकड़, अकबर कमरख मत चक,
इस हरकत पर अचरज मत कर, अवसर समझ कर चल। और अब हमें क्या करना है बच्चों, गोले में दिए गए व्यंजन की सहायता से हमें इनके शब्दों को पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले गोले में कौन सा शब्द है। गोले में है सबसे पहले ना, तो हमें यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अ न ब, अनब लिखा है ना, तो अनब में हमें गोले की सहायता, ये वाला कौन सा शब्द है ना, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे और क्या बन जाएगा, अन बन, अन बन। अब दूसरा अक्षर है, दूसरा शब्द है ऊ ल झ, और हमने यहां से ना ले लिया गोले में से, तो क्या बन गया, ऊ ल झ न उलझन। और अब यहां पे हमने लिखा है ऊ प व, और यहां से हमने कौन सा शब्द ले लिया, व ना ले लिया, तो क्या बन गया ये, उपवन उपवन। तो हमने गोले की सहायता से ना जो शब्द था उसको लेके हमने इसमें नए शब्द, हमने शब्दों को पूरा कर दिया। और अब यहाँ पे नया शब्द कौन सा है, यहाँ पे है नया शब्द खा ट म, और गोले में कौन सा शब्द है, गोले में अक्षर है ला, तो हमने यहाँ पे ला लिख दिया, तो हमारा नया क्या शब्द बन गया, खटमाला खटमल। ऐसे यहां से हमने उतारा क ट ह, और गोले में से ले लिया हमने कौन सा अक्षर ला, और क्या बन गया ये, कटहला कटहल। फिर हमने यहां से उतारा मा खा मा ला, क्या बन गया, मा खा माला मखमल। तो हमने क्या किए, गोले में दिए गए व्यंजन की सहायता से हमने इन शब्दों को पूरा कर दिया। और अब देखते हैं हमें क्या करना है बच्चों, चित्र पहचान कर हमें उसके नाम लिखने, हमें उसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले चित्र में क्या बना हुआ है, सबसे पहले बनी हुई है ये अदरक, अदरक हमने पहचान लिया और हमने लिख दिया इसका नाम, लिख दिया अदरक अदरक। और ये क्या बना हुआ है, ये बने हुए हैं बहुत सारे बर्तन, बर्तन। और ये क्या है, ये है आग बुझाने वाली जिसको बोलते हैं दमकल, दमकल। और ये है मखमला मखमल, और ये मीठा मीठा जो आपको भी बहुत पसंद है बच्चों, क्या है ये, शरबत, शरबत। और लास्ट में क्या है, कौन सी सब्जी है, कटहला कटहल। जी हाँ, तो हमने क्या किया बच्चों, हमने जो चित्र थे हमने उनको पहचाना और उनको पहचान के उनके सामने उनके नाम लिख दिए। और अब क्या है ना, चित्र पहचान कर सही शब्द पर हमें गोला लगाना है। तो सबसे पहले क्या बना हुआ है, ये तो एक थर्मस बना हुआ है, थर्मस, थर्मस। अब देखते हैं कहाँ लिखा है, थलचर, गलत नहीं, थलचर नहीं है, थर्मस, थर्मस, तो ये सही है, तो हमने इस पे सही का निशान लगा दिया। ये क्या है, ये है तरकश, तो कैसे, तला पाटा, जी नहीं गलत, तला छाटा, ये भी गलत, तरकशा तरकश, यानी कि ये सही है, तो मैंने इसके आगे इसका निशान लगा दिया। तो अभी हमने क्या किया, हमने चित्र पहचान के सही शब्द के आगे उसका निशान लगा दिया। और अब हम क्या करेंगे, चित्र देखकर उनके नाम सही कॉलम में लिखने हैं। बच्चों अभी हमने एक बहुत सारे चित्र देखे थे जिसमें था चित्र देखकर हमें उनके नाम लिखने हैं,
तो जिसमें था दो अक्षर वाले शब्द भी थे, तीन भी थे और चार भी थे। और उसमें कौन कौन से चित्र बने थे? उसमें नल था, फल था, जग था, मगर, दो अक्षर भी थे और तीन अक्षर के थे, शहद, मगर, मटर, सबके चित्र बने थे। तो हमने क्या किया, हमने उन चित्रों को पहले देखा और फिर हमने जो दो अक्षर के शब्द थे वो हमने यहाँ पे लिखे, नल, बस, फल, जग। और तीन अक्षर वाले जो शब्द थे वो थे, चित्र थे, मगर था, शहद, मटर, हवन। और चार अक्षर वाले जो चित्र थे उसमें क्या कौन कौन से चित्र बने थे? उसमें थी दमकल, तरकश, बटन और शरबत। तो हमने क्या किया, हमने पहले उन चित्रों को देखा, फिर हमने उनको दो अक्षर वाले जो थे उनमें लिखा, तीन अक्षर वाले उसमें लिखे इसमें, और चार अक्षर वाले हमने इसके अंदर भर दिए। तो और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अरे वाह कितने अच्छे अच्छे फल बने हुए हैं, तो चलिए इन फलों की हम पहचान करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये है सेब, और सब बच्चों को सेब अवश्य खाना चाहिए, बच्चों जरूर खाना चाहिए। दूसरा चित्र है, क्या है ये, संतरा, जी हाँ। और ये है बनाना, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, केला। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये कौन सा फल है, जी हाँ आपने पहचान लिया, अमरूद। और ये फलों का राजा आम, सब बच्चों को आम पसंद है मुझे मालूम है, ये है आम और ये है अनन्नास। तो फिर से एक बार हम बोलते हैं, सबसे पहले है सेब, संतरा, केला, अमरूद, आम और अनन्नास। बच्चों रोज एक फल आपको अवश्य खाना चाहिए, ठीक है, फल बहुत अच्छे होते हैं, ये प्रकृति का बहुत अच्छा सा बहुत ही सुंदर हमारे लिए तोहफा है। तो एक फल आप सब बच्चे अवश्य खाएंगे। और अब आ गई है सब्जियां, हमें सब्जियों की भी पहचान करनी चाहिए ना। तो सबसे पहले है, यस, किंग ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों का राजा आलू। और सब बच्चों को आलू बहुत पसंद है मुझे पता है, मुझे भी आलू बच्चों बहुत अच्छा लगता है। तो ये है आलू और ये एक टमाटर लाल लाल, जी हाँ ये है टमाटर। और ये है गाजर, गाजर बच्चों सर्दियों में गाजर जब आती है तो गाजर अपने सैलड में सलाद में अवश्य खाएं। तो ये है कौन सी सब्जी है, गाजर। और ये हरी हरी मटर, प्याज। और ये है खीरा जो हम सलाद के रूप में खाते हैं। एक बार दोहराते हैं इसको, आलू, टमाटर, गाजर, मटर, प्याज और खीरा। और इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों हमारा ये पाठ यही समाप्त होता है, और मैं आशा करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसको अपने पास इसको दोहराएंगे अवश्य, बच्चों जरूर दोहराएंगे, सारे जितने भी एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, पांच शब्द के जितने वाक्य हैं और अक्षर हैं इनको आप इसका अवश्य ही अभ्यास करेंगे। तो बहुत जल्दी आपके समक्ष आते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए आभार।